किसी भी पार्टी द्वारा सरकार न बना पाने की स्थिति में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। आखिरी वक्त तक सरकार बनाने की कवायद चलती रही और अभी भी चल रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है और इसकी अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? जानकारी के लिए बता दें कि संविधान के आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। अब अगला सवाल यह है कि आखिर राज्य में कब और क्यों राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? संवैधानिक व्यवस्था के हालात जब बिगड़ने लगे और राज्यपाल के आदेश के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर राज्य व्यवस्था संविधान के अनुसार काम ना करे तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है तो केंद्र सरकार द्वारा चुने गए राज्यपाल के जरिए सारी व्यवस्थाएं देखी जाती हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने के 2 महीने बाद संसद में अनुमोदन के लिए भेजा जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 साल के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने पर संसद में इसकी मंजूरी अनिवार्य है। हालांकि राष्ट्रपति शासन में बदलाव भी किया गया। संविधान के 44वें संशोधन 1978 के मुताबिक अब राष्ट्रपति शासन अधिकतम 1 साल के लिए ही लगाया जा सकता है, लेकिन 2 परिस्थितियों में नियम बदले जा सकते हैं। पहला, अगर देश में आपातकाल लगा हो, या फिर दूसरा, चुनाव आयोग ने अगले विधानसभा चुनाव होने से पहले इसकी सिफारिश की हो। हालांकि राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति कभी भी खत्म कर सकते हैं, इसके लिए संसद से मंजूरी की जरूरत नहीं होती। फिलहाल महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के बाद शिवसेना और एनसीपी को भी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन जब राज्यपाल को लगा कि तय सीमा के अंदर कोई भी पार्टी सरकार बनाने में सक्षम नहीं है तो राज्यपाल ने कैबिनेट से राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए पत्र लिख दिया। हालांकि अभी भी महाराष्ट्र में सरकार बनाने के रास्ते खुले हुए हैं। हालांकि यह राज्यपाल के ऊपर निर्भर करेगा। सरकार बनाने का दावा करने वाली पार्टी से समर्थन पत्र राज्यपाल मांग सकते हैं, या फिर बहुमत का आंकड़ा देखने के लिए विधायकों की परेड अपने सामने करा सकते हैं। इसमें राजनीतिक दल राज्यपाल को विश्वास दिलाने में कामयाब रहते हैं तो सरकार बनने के रास्ते खुल सकते हैं। ऐसी स्थिति में राज्यपाल केंद्र को लिखकर कहेंगे कि राज्य में एक अस्थायी सरकार बनाने के रास्ते निकल आए हैं, राज्य से राष्ट्रपति शासन को खत्म किया जाए ताकि राज्य में सरकार का गठन हो सके। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद अगर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी एकमत होते हैं और तीनों पार्टियां मिलकर सरकार बनाना चाहती हैं तो ऐसे में उन्हें राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अस्थाई सरकार देने का विश्वास दिलाना होगा। इसके बाद ही राज्यपाल राष्ट्रपति शासन को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।